आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा साल भर चलने वाला आम का अचार। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, इसे आप लोग आम के सीजन में जरूर बनाइएगा। तो चलिए आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए ये मैंने 1 किलो कच्चे आम लिए हैं। इन्हें मैंने 4 से 5 घंटे पानी में डाल दिया था और पानी से निकाल कर इन्हें मैंने अच्छे से सुखा लिया है। अब इन्हें काट लेंगे छोटे छोटे पीस में। ये मैंने कच्चे आम को काट कर ये देखिए छोटे छोटे पीस कर लिए हैं और इन्हें मैंने 1 दिन धूप में सुखा लिया है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सूख गए हैं, ऊपर ऊपर की जो नमी है वो कम हो गई है लेकिन अंदर से अच्छे हैं अभी। अब इनमें मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, सादा नमक डाल देंगे, 2 बड़े चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच काला नमक, 1 बड़ी चम्मच दरदरी कुटी हुई सौंफ, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली मिर्ची है, हींग डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे 1 चम्मच। ये मैंने काली वाली सरसों को दरदरा पीस लिया है, ये देखिए ये मैंने काली वाली सरसों ली है, आप चाहें तो पीली वाली सरसों भी ले सकते हैं, इसे भी डाल देंगे और इसमें 3 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल देंगे। ये कच्चा ऑयल है, मैंने गर्म नहीं किया है। ये मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसे ढककर रख देंगे 1 दिन के लिए। ये देखिए अचार को रखे हुए 1 दिन हो गया है। ये देखिए 1 ही दिन में आम काफ़ी मुलायम हो गए हैं। इसे हम 1 हफ्ते तक इसी तरह से रखे रहेंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे अचार पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसे आप अभी एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं या फिर 1 हफ्ते बाद पूरी तरह से तैयार हो जाए तब एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। इसे आप पूरी साल स्टोर करके रख सकते हैं, गारंटी है ये आम का अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आम के अचार का वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। Bye bye and take care.